हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे राजस्थानी किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल पतले दूध से दही, वो भी बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दही जमाने की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे जो हमारा दही है वो 2 घंटे में ही फटाफट से बिल्कुल मार्केट जैसा गाढ़ा दही बनके तैयार हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। फिर मैं यहाँ पर दूध ले लूंगी, दूध मैं इसमें डाल लूंगी। यहाँ पर मैंने 2 या 2.5 गिलास के लगभग दूध लिया है। मैंने यहाँ अंदाजे से ही दूध लिया था, नाप के नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो नाप के भी ले सकते हो, अंदाजे से भी ले सकते हो। यहाँ पर जो हमारा दूध है वो बहुत ही ज्यादा पतला है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है। हम पतले दूध से ही आज दही जमाने वाले हैं। यहाँ पर मैं दूध को चलाते ही रहूंगी जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। आप देख सकते हो कि अब हमारे जो दूध है उसमें उबाल आने लग गया है। यहाँ पर थोड़ी देर हम इसे उबलने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे हम। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, ठंडा होने को रख देंगे। यहाँ ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, थोड़ी देर में ये वैसे ही ठंडा हो जाएगा। यहाँ मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, इस पे मैं दूध को छान के भर लूंगी। इसमें और इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेंगे ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। यहाँ पर हमें गाढ़ा दही जमाने के लिए दूध को ठंडा करना पड़ेगा। यहाँ हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज का रखना है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ इसमें दही डाल लिया है। अगर आपको गाढ़ा दही जमाना है तो हमें इसमें दही ही डालना पड़ेगा, हम यहाँ पर छाछ नहीं डालेंगे। छाछ से क्या आएगा, हमारा जो दही है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं बनेगा। फिर मैं यहाँ ढक दूंगी, थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर बाद में हम यहाँ गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद हम यहाँ पर जो जिसमें हमने दूध लिया है वो बर्तन इसमें रख लेंगे। ऊपर से इसे वापस में कटोरी से कवर कर लूंगी। फिर मैंने यहाँ पर ऊपर से एक परात को वापस से ढक लिया है। अब हम इसे स्टेज पे क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ही रख देंगे। आप देख सकते हो कि 2 घंटे बाद हमारा जो दही है वो कितने अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कि हमारा जो दही है वो कितना गाढ़ा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और आप अगर मेरी एक बार रेसिपी देख लोगे ना तो मार्केट से कभी भी नहीं लाओगे दही, और फटाफट से ही पतले दूध से घर पर ही दही जमा लोगे। आप देख सकते हो कि हमारा जो दही है वो कितना गाढ़ा, कितने अच्छे, कितने परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो गया है और बिल्कुल भी खट्टा नहीं रहता है। ये दही बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक बनता है। और आप देख सकते हो कि हमारा जो दही है वो कितना गाढ़ा गाढ़ा बनके तैयार हुआ, बिल्कुल मार्केट जैसा। आज की आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आप तक जरूर पहुंच सकें।